एवरीवन, सो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं, कहीं चल रहे हैं वो भी आप लोग बताऊंगी लास्ट व्लॉग में। तो बहुत नहीं गाइस, अपनी गाड़ी रहते हुए फिर दिक्कत क्यों सह रहा, नहीं मैंने सही कहा ना। सो गाइस अभी पता है आपको, रास्ते में ना हम लोग जा रहे थे, तो मुझे ना ये आम का पेड़ दिख गया और इसमें तो तेल भरवा रहे हैं गाड़ी में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के, बट मैं एक कप तोड़ूंगी। तो चलो गाइस चलते हैं, एक आम तोड़ूंगी। ये देखिए चोरी कर रही है, एक आम एक और तोड़ूंगी। नहीं नहीं नहीं, ओ एक का बात बोल, ओए 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 रानी ओए। देख के रहा नहीं गया था, हम लोग बस आम खाना अभी स्टार्ट कर दी, मैं और मेरी देवरानी दो लोग इसमें चटोर है। तो आम देख के बताइए किसको रहा जाएगा कि हम कुछ देर बाद खा ले नहीं आम को। तो बस मैंने दांत से काट लिया और खा लिया यहाँ पे रिचा। और ये ससुराल में फूटा खराब। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे शिवान, और शिवान में है सचिन भैया का घर। सचिन भैया आप भी आ जाओ शिवान, फटाफट शिवान में मिलते हैं। और शिवान में तो मुझे नहीं पता है, बट कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे जल्दी मिलने के लिए। और हम लोग चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हो वो सस्पेंस में आप लोग को मैंने रखा हुआ है, तो आप लोग को जल्द ही बताऊँगी मैं कहाँ पर हम लोग आ गए, ठीक है। और गर्मी की बात क्या करूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थावे माँ, थावे मंदिर में, और देखिए प्रसाद लिया जा रहा है, और यहाँ पे प्रसाद अलग अलग प्रसाद लिया जा रहा है। देखिए वो एक डाली में कर दी, हम टोकरी के लिए रानी को मिल गया बड़ा टोकरी, और इन लोग का देखिए सभी लोग का छोटा है, मेरा बड़ा मिल गया। तो अभी मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे थावे मंदिर। तो जो भी लोग सिवान बिहार से होंगे उन्हें पता है कि थावे मंदिर कहाँ पे है, तो चलते हैं मंदिर। और लगभग सभी लोग जा चुके हैं, मैं और रिचा ही हैं साथ में, कोई बात नहीं हम लोग आराम से चलेंगे, नहीं रिचा। और यहाँ पे ना, हाँ यहाँ पे मन्नत थी, तो बस भाई मन्नत पूरा, मतलब जेठ जी ने कोई मन्नत मांगा था तो वो पूरा हुआ है माता रानी की कृपया से। तो हम लोग यहाँ पे बस वही मन्नत बोलते ना है, और यहाँ पे सबका पैर जल रहा है क्योंकि बहुत तेज धूप है। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे थावे मंदिर, और थावे मंदिर जाने से पहले ना यहाँ पे जो पापा हैं वो संकल्प करवा रहे थे, तो बस हम लोग खड़ा होकर वहीं और संकल्प करवा रहे थे। बट धूप इतनी तेज थी कि मैं क्या बताऊँगा, जितनी तेज थी कि मतलब वहाँ पे खड़ा होना मुश्किल था। बट माता रानी से मिलके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो मुझे लग रहा है 8-9 साल बाद ही मैं गई हूँ वहाँ पे, क्योंकि बहुत पहले मैं गई थी थावे मंदिर में। तो हम लोग माता रानी का दर्शन कर लिए, और हम लोग अब जा रहे हैं थावे वाली माता का रानी का दर्शन हो चुका, और अब हम लोग जा रहे हैं रशु भगत के मंदिर में। तो यहाँ से बस कुछ दूर की दूरी में है, और ये रहा गांव का मेला, बहुत ही यूनिक लगता है, अच्छा लगता है ना। और मैं ना बहुत सालों मोबाइल
सो गाइस, तो यहाँ पे हो रही है थावे मंदिर में शादी, और ये है दुल्हन। दुल्हा का तो पता नहीं दुल्हा जी का है, बट दुल्हन की शादी हो रही है यहाँ पे। अभी मुझे लग रहा है ना, शायद गुणेत ही हुआ है, जो गहना वहना चढ़ने का रस्म होता है ना, ये वो हुआ है। की बात कर रहे थे ना, वो यहाँ पे दुल्हा जी आ गए हैं, और ये हैं दुल्हा जी। और फिर मैं पूजा वूजा करने के बाद से मैं आ गई थी यहाँ पे ना चूड़ी बिंदी खरीदने। आपको पता है कि मुझे चूड़ी तो बहुत पसंद है, तो बस मतलब अगर मैं लूँगी भी नहीं ना, तो एक दो सेट तो लूँगी ही लूँगी, ठीक है। अगर मुझे नहीं लेना है तभी मुझे एक दो सूट सेट लेना ही होता है। चूड़ी में मुझे पसंद आया तो मैं फिर छोड़ती भी नहीं हूँ, बट मैंने ना चूड़ी ला के लिया है, बहुत अच्छा है। लोगों का मेला हो चुका है लगभग, वही सिंदूर बिंदी। मैंने एक चूड़ी लिया है, वो भी चूड़ी आप लोगों में दिखाऊँगी। अगर मैं घर पहुँच जाऊँगी तो आपको चूड़ी दिखाऊँगी। मैंने लाका चूड़ी लिया है, मुझे ना सबसे ज़्यादा वही यूनिक कलर लगा, तो मैंने वही लिया है। और हो सके तो आप लोगों को भी पसंद आएगा वो चूड़ी। तो चलो गाइज, आप लोग बने रहो। यहाँ पे ना सब लोग बस शॉपिंग करने में लग गए, मतलब शॉपिंग का मेला करने में लगे हुए हैं। तो अब चलते हैं, अभी एक और पूजा करना बाकी है, तो वो भी आप लोगों को ब्लॉग में मतलब मैं डाल दूँगी, बट उसको क्लिप रिकॉर्ड करके डालना सही नहीं होता यूट्यूब के लिए, बट मैं कोशिश करूँगी डालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऋषिका बोल रही है, यहाँ पे ऋचा ननद मंटू बनी, और वहाँ पे सासू माँ, उधर जेठ जी, ननद और दीदी लोग सब लोग खाना खा रहे हैं। वहाँ पे एक देवरानी बैठी हुई है, और हम लोग थावे होटल में खाना खा रहे हैं, बट मैं नहीं खा रही हूँ क्योंकि मुझे किसी ने दिया ही नहीं खाना खाने के लिए। मुझे किसी ने गाइस पूछा ही नहीं कि खाना खाओगी कि नहीं खाओगी। मैं सबसे गुस्से में हूँ। मैं देखो कैसे पति है, उधर आराम से बैठ के माँ के साथ में खा रहे हैं, पत्नी का पूछ नहीं है बस। बट कोई बात नहीं गाइस, पता है क्या है मेन प्रॉब्लम है ना, मुझे ना बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं ज़्यादातर ना घर का खाना पसंद करती हूँ, और इस गर्मी में इतना ज़्यादा गर्मी है कि मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। तो बस मैंने पानी पी लिया, यहाँ पर पानी रखा हुआ था, और साथ में मैं घर से खा के निकली हुई थी लिट्टी उट्टी, तो उसमें से पेट खराब हुआ मेरा। और वो बेईमान पति देखिए कैसे खा रहे हैं आराम आराम से। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए, माता रानी से दर्शन हो चुका है, खाना पीना भी खा चुके, मस्त दर्शन हुआ, और सब लोग गाड़ी में भी बैठ गए हैं, प्रसाद सब लोगों का पीछे है। और यहाँ पे हमारे हस्बैंड जी जो कि गाड़ी चला रहे हैं, और मैं यहाँ पे लिट्टी खा रही हूँ क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया, और इनके हाथ का लिट्टी बना हुई थी, मैं प्यार से खा रही हूँ। नहीं जी, तो अभी हम लोग जस्ट घर के लिए निकल चुके हैं, और हमारे गाड़ी पर फर्स्ट टाइम में बड़ी ननद चढ़ी हुई है, और ये है छोटी ननद। ने मंटू बने रहो, छोटा लग रही नो। और कैसा लग रहा है भाई की गाड़ी पे चढ़ के, कैसा आता टे? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रही थी। दीदी रहो, कैसा आता टे? बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी तो पहले से बैठी, मम्मी आपको कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, सभी लोगों को अच्छा लग रहा है। परी आपको कैसा लग रहा है? सुंदर, परी को सुंदर लग रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है जब पूरी फैमिली के साथ ना बैठते हैं। तो चलो गाइज, आप लोग बने रहो, यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं तो इनके साथ ज्यादा बात नहीं करती हूँ। तो चलो गाइज, आप लोग बने रहो ब्लॉग में, और अभी हम चलते हैं घर पे। घर के पे जाने के बाद मैंने ब्लॉग में नहीं डाला है आज, बट लेकिन आज शाम तक मैं पक्का ब्लॉग डाल दूंगी, क्योंकि ना एक तो वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, डाल नहीं पाती हूँ, और उसके बाद से थोड़ा सा बिजी भी हूँ इसके वजह से। तो चलो गाइज, ये गाँव का जो व्यू होता है ना, बहुत ज्यादा ऑसम होता है, मुझे बहुत पसंद है गांव में रहना, मजबूरी से रहना पड़ता है शहर में। अभी कुछ नहीं बोलेंगे ये, चलो बने रहो आप लोग ब्लॉग में। ठीक है गाइस, तो फाइनली अब मैं आ चुकी हूँ अपने घर में, यानी कि अपने रूम में, और लगभग शाम के बज चुके हैं 5। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, और मेरा फेवरेट मैं लेके आई हूँ आंध्र बाज़ार से। जो भी होंगे ना उन्हें पता है मेरा फेवरेट है आंध्र का छोला समोसा, साथ में पकौड़ा भी बहुत टेस्ट लगता है मुझे। तो बस
आपको पता है कि मैं उस टाइम नहीं खा पाई थी, इसमें छोला और समोसा लेके आई हूँ और जा रही हूँ फटाफट खाने, मुँह हाथ धुलाई करके। कुछ आम हटे तो इन्होंने आम भी लिया हुआ है, जस्ट मम्मी आके दे गई कि रख लो आम। तो चलो गाइस, हाँ मैं ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और मैं मिलती हूँ आप लोगों से फिलहाल नेक्स्ट ब्लॉग। तो बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग।